तो बात रहा कि पढ़ेंगे कैसे, तो देखिए ए से आकार, आई से हर्षिकार, डबल ई से दीर्घिकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, आर आई से रीकार, ई से एकार, ए आई से अयकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार, ए एस से अह विसर्ग, है ना, अह बोलिए चाहे विसर्ग बोलिए। चलिए एक दाव रिपीट कर देखो, मात्रा अभी अंग्रेजियों के अंग्रेजवा सबको छोड़ते हैं, अंग्रेजी अंग्रेज वाला अंग्रेजी को अभी छोड़ते हैं, अभी हम लोग पहले ही समझ लेते हैं। देखिए मात्रा याद करने का प्रयास नहीं कीजिए, आपको अ आता है कि नहीं बचपन में, अ आता आता है तो उससे ही से ही मात्रा बना है, तो ई किसका रूप है तो आ का है, आ का किसका मात्रा है तो आ का, तो बोलेंगे आ कार। देखिए आ कार, कार सब में लगाना, कार यानी मात्रा, आ की मात्रा। देखिए ई मात्रा ई का है तो बोलेंगे ई कार, तो बउआ तो ई कार न बोल के दुदू गो ई हो, तो पता कैसे चलेगा कोनी कोनी, तो ई छोटी ई कार नहीं कह के छोटी को क्या कहते हैं, हर्ष हर्षी, तो हर्षी कार कहते, दीर्घ ई है यानी बड़ा ई है, तो इस मात्रा को भी हम लोग कहते दीर्घ ई कार। ई दू गो ऊ है, ये एगो धीरे सिका बुलाई छे, एगो जोर से बुलाई छे, लंबा बुलाई छे बड़का ऊ, आई है ऊ। तो देखिए ऊ की मात्रा तो दुदू गो ऊकार है, तो इसको कहा हर्ष ऊ यानी छोटका ऊ का मात्रा, आ इसको कहा दीर्घ ऊ यानी बड़का ऊ की मात्रा, तो इसको कहेंगे हर्षु कार, इसको कहेंगे दीर्घु कार, आ इसका मात्रा री कार, ए कार, आय कार, देखिए इसको ओ कहते हैं ना, तो ओ की मात्रा है तो इसको कहेंगे ओ कार, इसको औ कहते हैं हम लोग तो इसका मात्रा है तो इसको कहेंगे औ कार, एकरा अनुस्वार कार नहीं कहेंगे, सीधे अनुस्वार है ना, अनुस्वार अंश न कहते तो अनुस्वार इसको कहे, आ इसको कह दिए अह यानी विसर्ग इसको कहता है। चलिए तो एक दाव रिपीट करते हैं, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, रीकार, एकार, अयकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग। अब अंग्रेजी एक दाव देख लेते, ए से आकार, ए से अ न बोल दी है, मात्रा घड़िया डबल ए न लिख के केवल ए लिखा है, ठीक है, ए से आकार, आई से हर्षिकार, डबल ई से दीर्घिकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, आर आई से रेकार, ई से एकार, ए आई से अयकार, बोलो ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार, ए एस से अह विसर्ग, ठीक है, विसर्ग बोलिए चाहे अह बोलिए। अब देखिए अ को कैसे कहेंगे, तो ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री, ई से ए, ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एस से अ। तो आपने देखा इस प्रकार से कि जो भी है स्वर्ण वर्ण तो उसका मात्रा भी होता है, मात्रा कहाँ प्रयोग करेंगे, बारह खड़ी लिखते समय। तो सबसे पहले दोनों का हमने सीख लिया, तो आज के सेवा इतने पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आप या अभी हमारे चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या वीडियो के अंत में भी अगला वीडियो आ जाता है तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। सेवा को इतने पर समाप्त करते हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो उससे पहले वीडियो को लाइक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को भी शेयर, यदि वीडियो को करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, धन्यवाद।